आज हम आपके सामने लाने वाले हैं 14 अगस्त का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने भारत का इतिहास, भूगोल और सोच को बदल दिया। वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। करीब रात 9 बजे तक अलग अलग जगहों से आकर लोग रायसीना हिल्स पर इकट्ठा हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। रात की करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वॉइसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आजाद होने में। कुछ लोगों में मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और फिर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनका भाषण इन दो लाइनों से शुरू होता है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हॉर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश आजाद हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गवा दिए थे। देश दो टुकड़ों में बंट चुका था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जो लोग कुछ समय पहले भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वे अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस बंटवारे में कई दंगे हुए। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था। और दोस्तों, हिंदुस्तान के बंटवारे की एक वजह ये भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अलग देश की मांग रखी और इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ और 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति शुरू हुई और वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में अब उतना दम नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अपना शासन चला सके, इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वॉइसरॉय बनाया गया था ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने पहले भारत को 3 जून 1948 को स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद जिन्ना की जिद की वजह से भारत में कई दंगे होने लगे। बिगड़ी परिस्थिति को देखकर अंग्रेज भारत को हो सके जितना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज भी भारत को दो टुकड़ों में बांटना चाहते थे, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 में रात 12 बजे भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और उनकी गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को अपनी आंखों से लहराते हुए देखने के लिए। देश के तिरंगे को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 बजे तिरंगे को जनता के सामने ब्रिटिश फ्लैग को उतार कर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, ये थी 15 अगस्त 1947 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।